चैनल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लेटेस्ट ब्रदर मशीन का फुल डेमो जिसका मॉडल नंबर है DS1300। और अगर आप कोई ऑटोमेटिक मशीन लेने की सोच रहे हैं जिसमें पिको भी हो, इंटरलॉक भी हो जाए और नॉर्मल स्टिच भी हो जाए, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। प्लस आपको इसमें स्टिचेस बहुत सारी मिलने वाली है और भी काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आप इसके साथ कर सकते हैं अपनी स्टिचिंग के अंदर। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसका फुल डेमो। और अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो इस शॉप का नाम और नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसका डेमो। इसका एक्सटेंशन टेबल है, तो इसको सेट कैसे करना है पहले आप ये बताइए। ये देखिए, ये एक्सेसरीज बॉक्स है, ये निकालना है। ये मल्टीपर्पस फुट है, नॉर्मल स्टिच के लिए। ये पीको का फुट है, ये बटन होल का फुट है, तुरपाई करने का हेमिंग का फुट है, ये जिपर फुट है और पाइपिंग का फुट है, और ये बटन लगाने का फुट है, और ये इंटरलॉक का है, और ये टू नीडल्स और नॉर्मल नीडल और तीन बॉबिन। इसमें कितने आएंगे? तीन नीडल, एक आएगी 14, 16 और 11, तीन नीडल के। और ये कास्ट कार्ड का सीन पेपर है, और ये टू नीडल वर्क के लिए यहाँ पर थ्रेड लगाने का। हाँ, सीधे आ रहा है पूरा। और ये ब्रश है साफ करने के लिए, और ये नीडल जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका काम हो गया है कंप्लीट, तो आप इसको अच्छे से ढक कर रख सकते हैं। ये यहाँ पे लगेगा और ये ऑन ऑफ। साड़ी में कोई पीको वीको करना है तो आप रख सकते हैं, सूट बनाना है, सूट में डिज़ाइन करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्टिचिंग वन पे कर देंगे, हाँ, इसके कम ज़्यादा वो यहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये स्टार्ट बटन है और स्टॉप भी यही है, यही है। और नीडल अप डाउन करना है, ऊपर नीचे करना है, वो यहाँ से होगा। और रिवर्स करना है तो इससे रिवर्स होगा। ये रिवर्स है और ये नीडल अप डाउन करने के लिए। और लेंथ अगर बढ़ाना है आपको, 2.5 पे चल रही है, अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो आप लेंथ बढ़ा सकते हैं। सिलाई की चौड़ाई, लंबाई जो आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। इससे माइनस होगा, इससे प्लस होगा। जैसे कि ये देखिए, ये इस पे जो बखिया का सिलाई करते हैं ना, जैसे कि ट्रिपल स्टिच, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि डिजाइन है 6, नॉर्मल 1, 2, 3, ये 6 आ गया, ओके। अब इसको अगर हमें चौड़ाई बढ़ानी है, जिसे विड्थ कहते हैं, ये अभी 3.5 पर है, ये हम 7 तक कर सकते हैं, 5, 7 जो भी फिक्स होगी। अगर जैसे हमने 27 किया, ये देखिए इसमें 7 तक है, मतलब हाईएस्ट विड्थ हम 7 तक कर सकते हैं। अभी जैसे हमने नॉर्मल स्टार्टिंग 11 कर दी हमने, ट्वेंटी सेवन कर दिया।
जैसे कि कोई भी प्लेन कपड़े में अगर डिज़ाइन करना है, नेक बना सकते हैं, कहीं पर भी डिज़ाइन, पिलो कवर में, पर्दे पे, कहीं पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जला मेरे में भी है ना। जैसे कि हमने 55 किया, सिलेक्ट हमेशा यहीं से करना है। अच्छा, ये स्टिच बिल्कुल फेदर स्टिच की तरह हुई है, बहुत ही फिनिशिंग से हुई है। जैसे कि पीको करना है तो पीको के लिए ये प्रेशर फुट लगाना है, और पीको के लिए हमें करना है 4 पे, ये 0 कर देंगे, ये वाला इस पे 4 कर देंगे, ये आ गया 4 है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ पीको हुआ है दोनों साइड्स पर। जैसे कि आपको इंटरलॉक करना है तो इंटरलॉक के लिए ये लगाएं, ला सकते हैं, लेंथ कम करना है लेंथ कम कर सकते हैं। ये हो गया इंटरलॉक, हाँ, और ये हो गया पीको, तो दोनों ही चीजें बहुत ही फिनिशिंग के साथ। जैसे कि आपको बटन होल करना है, बटन होल के लिए ये फुट है, ये ऐसे करके, और जितना बड़ा बटन है उसी साइज का काज बनेगा, खाली यहाँ पे आपको प्रेस करके। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक लीवर है, बटन होल का मार्क भी दे रखा है, ये ऐसे करके खाली नीचे स्लॉट पे ऐसे करना है बस, ओके, ये स्लॉट पे करना है, ये देखिए बस छोड़ देना। जैसे कि हमें सिलेक्ट करना है बटन होल, यहाँ पे 34 से लेके 41 तक स्टार्ट है। अच्छा, इतने टाइप। अच्छा, काज बनाने के लिए कोई सुई वगैरह तो चेंज नहीं करनी होती? नहीं, नॉर्मल जो सुई लगाना है वही है, खाली प्रेशर फुट चेंज करना होता है बस। तो यहाँ पर 35 सिलेक्ट करना होगा? हाँ, ओनली 35 सेलेक्ट करना है, ये देखिए 1 2 3, ओके, अब ये 4 है, स्टार्ट। और जहाँ काज बन, अभी तो हमने बटन होल कर दिया, फिर बटन लगाना है तो बटन के लिए ये प्रेशर फुट लगेगा, ये देखिए ये प्रेशर फुट हम लगा देंगे, और इसके पीछे एक टीथ नीचे करने के लिए, टीथ नीचे करने के लिए एक बटन है यहाँ पे, ये देखिए, ये फिट डाउन नीचे करने के लिए, ये देखिए, पक्का करने के लिए जीरो पे कर लेंगे, जीरो पे करेंगे तो आपका बटन निकलेगा नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है डिजाइन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये डेमो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस मशीन में आपको 130 इनबिल्ट स्टिचेस मिलेंगी, प्लस आपको नंबर्स और अल्फाबेट्स अलग अलग फॉन्ट्स में भी मिलेंगे, तो काफी अच्छी मशीन है ये। बहुत सारे हमने ये देखे, काफी सारे ये स्टिचेस भी करके देखे, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप यहाँ से कोई भी मशीन परचेज करते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इन फ्यूचर आप कौन सी मशीन का डेमो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।